नमस्कार दोस्तों, कल रिया चक्रवर्ती के लाइव इंटरव्यू में सारे प्रश्न और उत्तर के बारे में आपको बहुत ही बारीकी से बताएंगे। एक बार नज़र डालते हैं सभी प्रश्न की ओर। अनाया उदास के नाम को लोगों ने समझा आदित्य ठाकरे। अवार्ड के लिए नॉमिनेट न होने पर क्या बोली रिया? आप दिशा सलियन के बारे में क्या जानती हो? क्या 8 जून के बाद सुशांत ने कोई संपर्क किया? सुशांत मामले में CBI जांच क्यों चाहती थी? सुशांत के स्टाफ को क्यों बदला? इतने समय तक आप चुप क्यों रही? आपके और सुशांत के परिवार के बीच रिश्ते कैसे थे? 15 करोड़ के ट्रांसफर वाले आरोप पर रिया क्या बोली? सुशांत और उनके परिवार के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। यूरोप टूर के लिए सुशांत ने भरे थे पूरे रुपए। यूरोप यात्रा पर भाई सौभिक क्यों गए? यूरोप यात्रा पर क्या बोली रिया चक्रवर्ती? सुशांत और महेश भट्ट का रिश्ता था बहुत खास। 8 जून को सुशांत का घर क्यों छोड़ा? चुप्पी तोड़ने के लिए क्यों चुना आज का दिन? रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस से मांगी सुरक्षा। लगातार 7वें दिन सिद्धार्थ पिठानी ने CBI की पूछताछ। सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ, हर न्यूज सबसे पहले पाओ। तो दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न और उत्तर की तरफ। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो के बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI की जांच का गुरुवार को 7वां दिन है। जांच एजेंसी अभी तक सुशांत से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एक्टर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक चक्रवर्ती से एजेंसी ने गुरुवार को पूछताछ की। इससे पहले जांच एजेंसी ने सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर, उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, घर में काम करने वाले दीपेश सावंत और कुक नीरज आज से भी पूछताछ की है। इस पूरे मामले में CBI, ED, नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपी बनाया है। एक्टर के पैसे से जुड़े मामले में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। इस बीच इंडिया टुडे ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से जुड़ी कई अहम बातें बताई है। नंबर 1, अनाया उदास के नाम को लोगों ने समझा आदित्य ठाकरे। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मेरी एक दोस्त है अनाया उदास, उसका नाम AU के नाम से सेव है। लोगों ने उसे आदित्य ठाकरे का नाम समझा। मैंने और उसने कई बार स्पष्टीकरण भी दिया है, मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, न मेरे पास उनका नंबर है। मुझे कोई नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि प्लीज कोई मुझे प्रोटेक्ट करो, मेरा परिवार और जिंदगी खराब हो रही है। मैं किसी राजनेता को नहीं जानती, मेरे किसी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, बस TV पर देखा है। अब CBI आ गई है और अब पूरे मामले की जांच करेगी। नंबर 2, अवार्ड के लिए नॉमिनेट न होने पर क्या बोले रिया? सुशांत सिंह राजपूत का नाम किसी भी अवार्ड के लिए नहीं आता था। इसको लेकर वह और मैं अपसेट थे। उन्हें लगता था कि अगर मैं एक और फिल्म कर लूंगा तो मुझे भी टारगेट किया जाता रहेगा और अवार्ड नहीं मिलेगा। नंबर 3, आप दिशा सलियन के बारे में क्या जानती हैं? रिया ने कहा कि मैंने उनसे एक बार मुलाकात की है। यह मुलाकात सिर्फ 10 मिनट के लिए थी। मेरे पास उनका कोई नंबर भी नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता कि उनका और सुशांत के बीच कैसा इंटरेक्ट रहा होगा। दिशा मार्च 2020 में सुशांत की मैनेजर बनी थी, इसके बाद लॉकडाउन लग गया था। नंबर 4, क्या 8 जून के बाद सुशांत ने कोई संपर्क किया? उसमें लिखा था कि हाउ आर यू माय बेबी। मैं इससे काफ़ी नाराज थी कि एक भी मैसेज नहीं किया कि मैं कितनी बीमार हूँ। मैंने उन्हें इसके बाद ब्लॉक कर दिया। इसके बारे में हमारे परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। वह हमारे फैमिली ग्रुप पर अभी भी जुड़ा हुआ है। वह हमारे भाई के साथ संपर्क में था। उसने कभी यह जिक्र नहीं किया कि रिया वापस आ जाओ। अगर यह बोला होता तो मैं सब कुछ छोड़कर वापस चली जाती। नंबर 5, सुशांत मामले में CBI जांच क्यों चाहती थी? रिया चक्रवर्ती ने इसके बारे में कहा कि 8 जून से 14 जून तक का क्या हुआ मैं यह नहीं जानती हूँ। इसी वजह से मैंने CBI जांच की मांग की थी। मुझे जानना था कि आखिरी हफ्ते में क्या हुआ। अगर CBI इसकी जांच कर रही है तो सच सामने आ जाएगा।
मुझे मुंबई पुलिस, सीडी और सीबीआई पर पूरा विश्वास है। नंबर 6, सुशांत के स्टाफ को क्यों बदला? रिया चक्रवर्ती ने कहा कि यह बेबुनियाद आरोप है। सिद्धार्थ पिठानू को सुशांत पहले से ही जानता था। मिरांडा को उनकी बहन प्रियंका ने हायर किया था, वो भी मेरे से पहले आए थे। दीपेश सावंत को भी वो पहले से जानते थे। मैंने सुशांत के बाद इन सभी को जाना, मैंने किसी को हायर नहीं किया है। नंबर 7, इतने समय से आप चुप क्यों रहे? इस पर रिया चक्रवर्ती ने कहा, मेरी पहली जिम्मेदारी मुंबई पुलिस, फिर ईडी और अब सीबीआई है, यह नहीं कि मीडिया को पूरी बात बताऊं। नंबर 8, रिया और उनके परिवार के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत और उनके परिवार के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। जब भी वे आते थे तो एक दिन में वे ही बिछड़ जाते थे। मैंने और उनकी बहन मीतू ने साथ में कोर्स भी किया है। वहीं सुशांत और उनके पिता के बीच रिश्ते बचपन से ठीक नहीं थे। सुशांत की जिंदगी में मेरे आने से पहले वह अपने पिता के 5 साल तक नहीं मिले थे। नंबर 9, आपके और सुशांत के परिवार के बीच रिश्ते कैसे थे? रिया ने कहा, मेरे और सुशांत के परिवार के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। सुशांत की बहन और मेरे साथ एक हादसा हुआ। प्रियंका ने मुझे शराब पीकर गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। इसके बाद मैं चेन्नई चली गई और उस बीच सुशांत और उसकी बहन के बीच लड़ाई हुई। सुशांत ने कहा कि उसकी बहन ने शराब पीकर गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। इसके बाद सुशांत की बहन वापस चली गई और सुशांत के खिलाफ केस करने की कोशिश की। नंबर 10, 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन वाले आरोप पर रिया ने क्या बोला? मैं भी यही सवाल पूछ रही हूँ कि जो रुपए मेरे अकाउंट में दिखने चाहिए वो 15 करोड़ रुपए कहाँ है? जब सुशांत के पिता उनसे मिले ही नहीं थे तो कैसे पता चला कि सुशांत के खाते में इतने पैसे आए और फिर ट्रांसफर किए गए? सुशांत के अकाउंट से मेरे या मेरे परिवार के खाते में 1 रुपए भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, बल्कि मैंने अपने अकाउंट से 35,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, क्योंकि उन्होंने मेरे मेकअप के पैसे दिए थे। इस वजह से मैंने बिना बताए उनके पैसे उन्हें वापस कर दिए थे। नंबर 11, यूरोप टूर के लिए सुशांत ने भरे थे रुपए। यूरोप टूर पर रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मेरी टिकट बुक थी, लेकिन सुशांत ने वो टिकट कैंसिल कर दी और उन्होंने होटल के लिए अपनी तरफ से बिल भरा। सुशांत ऐसे ही जिंदगी जीता था। मुझसे पहले भी सुशांत 6 लड़कों के साथ थाईलैंड ट्रिप पर गया था और वहां 70 लाख रुपए खर्च किए। यह उसकी मर्जी थी कि वह कैसे हो रहे हैं। वह लड़कों को भी अपने साथ ट्रिप पर ले गया, तो क्या उन्होंने भी उसे ऐसा करने के लिए जबरदस्ती की? नंबर 12, यूरोप यात्रा पर भाई सौविक क्यों गए? सुशांत और सौविक के रिश्ते पर बोलते हुए रिया चक्रवर्ती ने कहा कि दोनों के बीच में काफी प्यार था। उन्होंने कहा, मेरे भाई सौविक और सुशांत के साथ एक कंपनी बनाई गई थी। इस कंपनी में हम तीनों बराबर के पार्टनर हैं। इसके लिए तीनों अपने अकाउंट से 33,000 हर व्यक्ति को अब भरने होते थे। भाई सौविक चूंकि किसी नौकरी में नहीं था तो उसके रुपए मैंने भरे हैं। यूरोप यात्रा के लिए सुशांत ने ही सौविक को बुलाया था। नंबर 13, यूरोप यात्रा पर क्या बोली थी रिया चक्रवर्ती? रिया ने कहा, यूरोप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बताया कि उन्हें फ्लाइट में बैठने को लेकर थोड़ी दिक्कत है। इसके लिए वे एक दवा लेते थे और उन्होंने दवा ली। जब हम लोग पेरिस पहुंचे तो सुशांत 3 दिन तक बाहर नहीं निकला। वह अपने कमरे से बाहर नहीं गया था। इसके बाद जब हम लोग स्विट्जरलैंड गए तो वहाँ काफ़ी खुश थे। फिर इटली में हमारे कमरे में एक स्ट्रक्चर था जिसमें अजीबोगरीब फोटोज थी। मैं उसे देखकर डर गई और सुशांत पूरी रात सो नहीं सका। इसके बाद हमने ट्रिप के दिन को कम कर दिया था। नंबर 14, सुशांत और महेश भट्ट का रिश्ता बहुत खास था। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत और महेश भट्ट साहब का रिश्ता बहुत ही खास था। वो दोनों पहले मिल चुके थे और उन्होंने ट्वीट किया था कि भट्ट साहब से मुझे प्यार आ गया। महेश भट्ट ने मुझे सुशांत से अलग होने के लिए नहीं कहा। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि आप इस तरह से नहीं टूट सकती है, पिता के बारे में सोचिए। नंबर 15, 8 जून को सुशांत का घर क्यों छोड़ा? रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मई के मध्य तक सुशांत सिंह राजपूत कुर्ग शिफ्ट होने की बात कर रहा था। उनके सपने थे शांति, खेती, पहाड़। हम दोनों का मानना था कि एक साल में इस तरह से एक फिल्म तो कर सकते हैं।
3 जून को मैंने एक डॉक्टर से संपर्क किया और कहा कि मुझे लग रहा है कि सुशांत डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसके बाद सुशांत और डॉक्टर की बात हुई। डॉक्टर को लगा कि एक्टर को दवा की ज़रूरत है। सुशांत मुझसे 1 जून से मुझसे घर जाने के लिए कह रहे थे। मेरी हालत देखकर भी सुशांत को ठीक नहीं लग रहा था। ऐसे में 8 जून को मेरी डॉक्टर के साथ थेरेपी सेशन बुक थी। यह दिखाता है कि घर छोड़कर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इसके बाद जब उन्होंने बार बार कहा कि तुम घर जाओ, तो मैंने कहा कि जब तक तुम्हारी गुरुग्राम वाली बहन नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि बहन के आने से पहले ही घर से चले जाओ। नंबर 16, चुप्पी तोड़ने के लिए क्यों चुना आज का दिन। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत मेरे सपने में आया और मुझसे कहा कि हमारे रिश्ते के बारे में सच बोलो, इसलिए आज का ही दिन चुना। नंबर 17, रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस से मांगी सुरक्षा। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने उनकी और उनके परिवार की जान को खतरा होने का दावा करते हुए मुंबई पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने के अनुरोध किया गया। रिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनके पिता को उनके घर के परिसर के बाहर मीडिया कर्मियों से घेरा हुआ दिखाई दिया और वीडियो में यह दिख रहा है कि जब उसके पिता आगे बढ़ते हैं तो मीडिया कर्मी बार बार उन्हें घेर लेते हैं और मामले की जांच करने वाली विभिन्न जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। और यह है लास्ट क्वेश्चन। लगातार 7वें दिन सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई की पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी को लगातार 7वें दिन पूछताछ के लिए बुलाया है। पिठानी सुशांत के साथ उनके घर में रहते थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पिठानी सांता क्रूज के कलीना स्थित डीआरडीओ के अतिथि गृह में सुबह करीब 9 बजे एक कैब में सवार होकर पहुंचे। गौरतलब है कि यहीं पर सीबीआई के अधिकारी रुके हुए हैं। जांच एजेंसी ने बुधवार को भी पिठानी से 12 घंटे से अधिक समय तक की पूछताछ की थी। तो दोस्तों, हमारी यह न्यूज आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।